मीडिया पर हमला होना लोकतंत्र पर हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां शनिवार के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट ने समाज का आईना दिखाने वाले पत्रकार पर झूठे मुकदमे तथा पत्रकारों की हो रही हत्या पर सवाल पूछे जाने पर सांसद चिराग पासवान ने साफ लफ्जों में कहा कि सच का आईना दिखाने वाले मीडिया कर्मी के प्रति जो सरकार की नीति है वह गलत है, क्योंकि मीडिया देश की चौथी स्तंभ है और इस चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जहां उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के एक नेता को आरे हत्थे लेते हुए कहा कि शराबबंदी पर मीडिया ने जब सच दिखाया तो मीडिया के ऊपर बेतुका बयान दिया गया, जो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईना दिखाना मीडिया का काम है, क्योंकि मीडिया जनता की आवाज है। परंतु आज के परिवेश में सत्य को बताने वाली मीडिया को टारगेट लिया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तरफ बेतिया से पहुंचे आदर्श कुमार को जिला पश्चिमी चंपारण का विधि अध्यक्ष मनोनीत करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा कि पत्रकारों के हित में पत्रकारों के संगठन वाल्मीकि प्रेस क्लब, जो पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, उनकी पार्टी के द्वारा पत्रकारों के हित में जो भी बन सकेगा वह काम करेगी और ऐसे संगठनों का समर्थन करती है। मौके पर वाल्मीकि प्रेस क्लब के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, सचिव निरंकार भास्कर, उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार सिंह, सत्यम सिंघानिया, शेखर सोनी, अतुल कुमार, सुमित कुमार, नवीन कुमार, मिथिलेश कुमार, विनय कुमार सहित प्रेस मीडिया से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। बताते चले, पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सांसद चिराग पासवान कई बार आवाज बुलंद कर चुके हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आजादी की मजबूती दर्शाता है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा लोकतंत्र को बचाने का काम की है और आगे भी करते रहेगी। बिहार की राजधानी पटना से द क्राइम एक्सप्रेस के लिए शशि कुमार की रिपोर्ट। जो अन्याय किया जा रहा है, झूठे फर्जी मुकदमे फंसा जाए, इसके संबंध में सर आपकी पार्टी क्या रहा है? देखिए, जीरो टॉलरेंस सुनते सुनते अब मैं समझता हूँ कि तमाम बिहारवासी टॉलरेंस को जीरो मान चुके हैं। मतलब अजीब की स्थिति है, जीरो टॉलरेंस किसी बात पे जीरो टॉलरेंस कहाँ दिख रहा है? पत्रकारों की आए दिन हत्या हो रही है। एक पार्टी के बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिम्मेवार पद पे बैठे हुए हैं, सरकार में है, सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता हैं, और कहते हैं कि पत्रकारों को शराब नहीं मिलती तो ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या पत्रकार ही सबसे कमजोर नजर आ रहा है? हैरत करने वाली बात है। पूरा बिहार चल रहा है, रोज लूट, हत्या, दुष्कर्म की कई तमाम घटनाएं घट रही हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी पूरा बिहार जो है सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। तो मैं जब पत्रकार उनको आईना दिखाने का काम करते हैं तो इस तरह की बातें और पत्रकारों पे इस तरह का कड़ा प्रहार जो है वो तो बेहद हास्यास्पद है। पत्रकारों पर हमला करना है तो क्या मान लिया जाए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को बिल्कुल ही कुचल देने की जरूरत है? जैसी उनकी मनसा दिख रही है, खासकर इन बातों को लेकर जो असंवेदनशील बयान उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ कि पार्टी की तरफ से, मैं खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ऐसे तमाम बयानों का विरोध दर्ज कराता हूँ। और मैं समझता हूँ कि पत्रकारों से इस तरह का बर्ताव बेहद ही निंदनीय है। मैं निंदा करता हूँ ऐसे बयानों का, और आइंदा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, कम से कम उन तमाम वरीय नेताओं से जिनको बिहार में 3 नंबर की पार्टी रहते हुए भी कुर्सी की लालच है, सत्ता की लालच है, वो लोग पत्रकारों को भी आईना दिखाएंगे? ये तो काम पत्रकारों का है, कम से कम पत्रकारों पर ये काम छोड़ देना चाहिए था। सर, पत्रकारों की संगठन वाल्मीकि प्रेस संगठन जो है वह आपके राष्ट्रीय नेता के प्रति काफ़ी जुझारी हुई थी, पत्रकारों की समस्याओं के लेकर आवाज़ उठा रहे हैं जी। तो सर, इसमें आपकी क्या राय हो सकती है? प्रश्न नहीं, देखिए, पत्रकारों का कोई भी संगठन है, अगर पत्रकारों के वाजिब मांग को लेकर आगे बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी उनके साथ है। पत्रकार एक प्रबुद्ध जन है हमारे प्रदेश के, और लोकतंत्र के एक बहुत बड़े प्रहरी की भूमिका का निर्वहन वो करते हैं, इसलिए पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए। खासकर राजनेताओं को ये नसीहत मैं दे रहा हूँ, नसीहत मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन बावजूद मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कम से कम पत्रकारों के साथ ऐसा घिनौना जो है
बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका परिचय सर? राजेश भट्ट, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी। सर आजकल मीडिया पे बहुत सारे हमले हो रहे हैं, इस विषय में क्या कहना है सर? भाई वो गलत है और इस बात को एक बार नहीं, मैंने कई बार मैंने उठाया। पत्रकारिता पे हमला जी दो तरीके से किया जा रहा है, एक तो शारीरिक हमला जी, हमारे प्रदेश में जिस तरीके से पत्रकारों को चुन चुन कर जी, और खास तौर पर ऐसे पत्रकार जो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल उठाते हैं, सरकार की नीयत को जनता के सामने रखने का काम करते हैं, एक वो हमला। एक दूसरा हमला जो पत्रकारों के ऊपर लालचन लगा के किया जा रहा है कि अरे इनको शराब नहीं मिलती तो इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने शराबी शब्द जोड़ा है पत्रकारों के साथ, पत्रकार पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ऐसे में पत्रकारों पर शारीरिक और इस तरीके का उनके व्यवहार पे इस तरीके का हमला करना, ये लोकतंत्र पे सही मायनों में हमला है और इसकी हम लोग घोर शब्दों में हम लोग इसकी निंदा करते हैं। इस तरीके से पत्रकार पत्रकारिता पे सवाल उठाना और बदनाम करना कहीं से उचित और जायज। सर ग्राउंड लेवल पे देखा जा रहा है कि जो कार्य जो है हर योजनाओं में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जो जनता खुश नहीं है, जो जनहित के लिए नहीं हो रहा है, उस विषय में आपका क्या कहना है? भाई मैंने तो बार बार कहा, मैंने तो पिछले चुनाव में भी कहा था कि कभी जांच करा लीजिए, बिहार के इतिहास की सबसे भ्रष्ट योजनाओं में से एक सात निश्चय होगा जी। आज सात निश्चय की कोई भी योजना आप देख लीजिए, नली गली हो, नल जल के नाम पे तो भैया इन्होंने लूट मचा रखी। बिल्कुल, पाइपें फटी पड़ी हैं, टंकियां टूटी पड़ी हैं, टूटी खोलते रहिए पानी नहीं आएगा, आएगा तो ऐसा पीला पानी गिरेगा कि कोई इसको पी नहीं सकता। और इस बात का श्रेय मुख्यमंत्री और उनकी शासन प्रशासन के लोग लेते नहीं थकते हैं। हकीकत है इनकी तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की देन चढ़ गई हैं और जिसका खामियाजा मुख्यमंत्री ने 20 के चुनाव में भी भुगता, अगली बार आते आते तक इनका खाता भी नहीं खुला। सर अगले चुनाव के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई कुछ नहीं, एकजुट होकर बिहार के विकास की सोच वाली सरकार चुने। ऐसी सरकार, ऐसे नेता नहीं जो बिहार में बंटवारा करते हों, बांटने की राजनीति करते हों, जात पात धर्म मजहब के आधार पर लोगों में अलगाव पैदा करते हों। ऐसी सरकार चुने जो 13 करोड़ बिहारियों के बेहतर भविष्य की बात करते हों, ऐसी सरकार का। और आज की तारीख में भैया जो सरकार है 30 साल से तो यही लोग है ना। बिल्कुल, जब 30 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो आने वाले 2 साल में लोग क्या कर लेंगे, ये तो प्रश्न उठेगा ही ना। बिल्कुल।